आज के जो ब्लॉग में मिलेगा छोले भटूरे इंस्टेंट, आज छोले भटूरे बन रहा है तो इसलिए मैंने कांदा बॉल लाल कर रही हूँ, चना और आलू को बॉईल करने का, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट अभी मैंने ऐड करी, बाहर से लेके आई थी। इधर मैंने टमाटो केचप डाली क्योंकि टमाटर अभी बहुत महंगा मिल रहा है। इधर ब्लैक पेपर पाउडर है, ये थोड़ा सा घर में मेरे धनिया पाउडर था, धनिया और जीरा मिक्स, लाल मिर्ची, नमक, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाली मैंने ऐसे टेस्ट के लिए, क्योंकि जो छोले का टेस्ट है वो मेरे घर पे ज़्यादा नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने ऑरिगेनो डाली ताकि थोड़ा सा हल्का फ्लेवर चेंज होने के लिए। इधर मैंने बॉयल आलू अभी जो था वो ऐसे डाल दी फोड़ के, और ऊपर से मैंने चना डाल दिया जो कि मेरा छोले मैंने बॉईल करके रखी थी, वो थोड़ा पानी के साथ ही डाली ताकि वो छोले के जो पानी में प्रोटीन था वो भी आ जाएगा एक साथ इसके अंदर। और अब इंस्टेंट मेरा जो छोले था वो देखो एकदम रेडी हो गया, ना मसाला पीसना पड़ा ना कुछ, ना कोई टेंशन। देखो मेरा छोले अच्छे से एकदम बन के रेडी हो गया है पूरा। इसके ऊपर बस अभी थोड़ा सा कोथमीर, मैं ऊपर से फ्लेवर बाद में ऐड करूँगी ताकि वो जो धनिया और धनिया का जो फ्लेवर रहता है हरे का वो थोड़ा सा अच्छा आता है ढक्कन ढक। तो मैंने इधर मैदे को भू अच्छे से गून के रखी और मैदे के अंदर मेरे को जो मेरा भटूरा बनना है तो उसके अंदर कोथमीर थोड़ा सा, मैंने थोड़ा ऑरिगेनो, थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ा सा छोले जो मसाला पाउडर था वो मैंने रखी हूँ उसको मिक्स करके रखने के लिए ताकि वो मैं अंदर स्टफिंग करूँगी। और जिसको जो जैसा स्टफिंग करना वो वैसा करता है, बट मैं ऐसे सिंपल तरीके से स्टफिंग करूँगी क्योंकि इंस्टेंट बन रहा है और आप सुबह डब्बे में भी बना के दे सकते हो, टिफ़िन में भी, नॉर्मल भी बन सकता है, शाम में स्नैक्स भी हो सकता है आराम से, इसीलिए। तो अब मैंने आटे को अच्छे से इसके अंदर स्टफ करके बना बेल के इसको देखो मैंने तेल में डाली फ्राई करने के लिए। तो मेरा इधर भटूरे अच्छे से फूल भी गया और बन भी गया और फटा भी नहीं देखो। और इधर अब मैं बता रही इसके अंदर देखो जो कोथमीर डाली थी वो भी अच्छे से एक एक जगह एक एक पीस और सब दिख रहा है कोथमीर का और टेस्ट। तो मेरे चैनल का देखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर।